फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट इन। मेरठ के अब्दुल्लापुर गांव में एक साधु की इतनी पिटाई की गई कि अस्पताल पहुंचकर उनकी मौत हो गई। साधु कांति प्रसाद भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित अब्दुल्लापुर शिव मंदिर कमेटी में भी थे। पिटाई से घायल साधु स्वयं ही थाने पहुंचे और तहरीर दी। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना का जैसे ही हिंदू संगठनों को पता चला, उन्होंने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। यह बराबर 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने और हिस्ट्री शीटर नदीम व अन्य की तुरंत गिरफ्तारी व एसओ भावनपुर संजय के निलंबन की मांग कर रहे थे। यहां एसपी देहात अविनाश पांडे ने पत्रकारों के कैमरे हटाने व उन्हें गिरफ्तार करने की भी बात बोल दी। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए भाजपा राज में मीडिया पर कोई रोक नहीं है यह बात कही और साथ ही उन्होंने दुर्व्यवहार पर नाराजगी भी जताई। महाराष्ट्र में दो साधुओं की हत्या का मामला अभी हटा भी नहीं था, लोगों के जहन से नहीं हटा था, लेकिन मेरठ जिले में साधु की एक हत्या हो गई। दरअसल अब्दुल्लापुर बाजार में शिव मंदिर है जिसके वह कमेटी उपाध्यक्ष भी हैं। वह मंदिर की सफाई पूजा पाठ आदि करते थे और साधु वेश में ही रहते थे। बताया जाता है कि बीते दिवस वह बिजली का बिल जमा कर लौट रहे थे कि रास्ते में अनस कुरैसी ने उनके भगवा पटके पर धार्मिक टिप्पणी कर दी। इसका विरोध किया तो उनकी अनस ने पिटाई कर दी। पुजारी अनस के घर शिकायत करने गए तो वहां भी अनस ने अपने साथियों के साथ उन्हें जमकर पिटा, जिससे वह लोहान होकर गिर गए। इस पिटाई में क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर नदीम का नाम भी सामने आया। बता दें कि अब्दुल्लापुर इन दिनों गौकशी, सट्टेबाजी व गांजा आदि का खुला अड्डा बन गया है। आरोप यह भी है कि नदीम के संरक्षण में यह सब चल रहा है और उसके थाना प्रभारी से खासी नजदीक क्या है। क्षेत्र के बछड़े भी लगातार गायब हो रहे हैं। कांति प्रसाद किसी तरह थाने पहुंचे और तहरीर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। यह खबर पाकर हिंदू संगठनों से जुड़े तमाम लोग वहां पहुंचकर एसओ संजय के खिलाफ जमकर नाराबाजी करते हुए शव को सड़क पर रख दिया। आइए सुनते हैं मौके पर क्या बता रहे हैं मौजूदा लोग। आदेश आदेश क्या हुआ है? मेरे पिताजी की हत्या करी गई है, उसमें 5 निर्दोषी हैं। एक को पकड़ा गया, वो पकड़ा नहीं गया, पेश करा गया है। अच्छा, दोषी है उसी किस, वो व्यक्ति किस बात के लिए, किस बात को लेकर विवाद हुआ? अध्यक्ष संलिप्त है, किस बात को लेकर विवाद हुआ? छेड़ते यहाँ योगी के, ये कपड़े पैर के पंडित बन रहे हो। मंदिरों में तुम्हारी घंटी बंद करवा देंगे, वो करवा देंगे, मंदिर का ताला लगवा देंगे, तुम्हारा लोड स्पीकर बंद करवा देंगे। आए दिन लड़ाई करते हैं, आए दिन लड़ाई करते हैं, मीट फेंकते हैं। क्या नाम आपका? निमेश वशिष्ठ। वही खड़े रहो। हाँ, निमेश वशिष्ठ, महानगर मंत्री, विश्वेंदु परिषद। अच्छा, क्या क्या हुआ है, क्या मांगा? परसों यहाँ अब्दुल्लापुर में एक संत पूजा करके जा रहे थे तो उनके तिलक और चोटी पर टिप्पणी हुई, तो उसको लेकर उनको मारपीट की गई। और जब वो उनके घर पर शिकायत करने गए तो अंदर बंद करके और मारा और गुप्तांगों पर मारा, जिसके कारण कल उनकी मौत हो गई। ये लोग इकट्ठे होकर मॉब लिंचिंग करते हैं, जिसके कारण हिंदू समाज यहाँ सांस नहीं ले पा रहा है। अभी हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी डेड बॉडी को लेकर बैठे हैं और हमें चाहते हैं 25 लाख रुपए का मुआवजा उनको मिले और थाना इंस्पेक्टर पर यहाँ मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी हमारी मांग है। मौके पर पहुंचे कैंट विधायक सत्यप्रकाश ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने दिए गए आश्वासन व एसपी देहात द्वारा पत्रकारों को बंद करने की दी गई चेतावनी पर भी सवाल किए गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आज जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसके किस कारण किया गया है? कारण तो साफ है, कारण है एक आदमी का निर्भर हत्या कर देना, तिलक और उसके गमछे के ऊपर टिप्पणी करना, उसके बाद उसको इतना पीटना कि रात को उसकी मृत्यु हो जाना, पुलिस का नाकारबल निकालना, पुलिस को कार्रवाई समय रहते नहीं करी, समय रहते कार्रवाई करते साथ वो भी बच जाता और साथ कुछ और। तो मेरे सबसे पहला कहना यह है कि सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार में ये नहीं होने देंगे, जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है, इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, नहीं होने देंगे। और ये मतलब हिंदुस्तान में हर रहने वाला हर आदमी
हिंदुस्तानी है जो इसके खिलाफ जा कोई भी। सर ये जो यहाँ पर लोग आज ये डिमांड कर रहे थे कि थाना जो प्रभारी है महानपुर उनको हटाने की बात करें, क्या मामला है? ऐसा उन्होंने मेरे साहब रखी भरवाई बात, मेरी बात हुई है प्रभारी हट जाएंगे और जो अपराधी यहाँ पर जिनके नाम होंगे सब गिरफ्तारी को देख जाएंगे, कानून व्यवस्था अपना पूरा ढंग से काम करेगी, बीच में किसी ढिलाई नहीं। सर इस सरकार के अंतर्गत कहा जा रहा है कि किसी भी पत्रकार के अंदर को उल्टा सीधा कहा जाए या गलत सब बोला जाए, उसको गलत सलूकी बद सलूकी बोली जा रही है, तो इस समय पे यहाँ पर एसपी देहात है हमारे, उन्होंने अभी कहा कि इनको बंद कराओ, कैमरा वैमरा तोड़ने की धमकी दी इन्होंने अभी। ऐसा है अभी देर से पहले पत्रकार गए हैं, मीडिया वर्क करने गए हैं, उन्होंने कहा मैंने संज्ञान ले लिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका सब हिसाब पत्रकार की दुर्दशा मतलब लीजिए, कोई उसके साथ आया नहीं करने दिया जाएगा, पत्रकार हमें पत्रकार हमारे पत्रकार की मीडिया कोई रोकेगा ना रोका ना रोका। मसला चौके साधु की हत्या से जुड़ा था, लिहाजा इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंच गई और इसका असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अनस को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाकी के लिए आश्वासन दे दिया। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं एसपी देहात अविनाश पांडे। सर एक भवनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अब्दुल्लापुर में कल एक पुजारी जी की हत्या हुई थी, क्या पूरा मामला है? आज उन्होंने बोली रखे काम वगैरह लगा था, क्या इसके लिए आश्वासन दिया? देखिए इसमें जो कल घटनाक्रम हुआ था, ये जो मृतक हैं ये स्वयं इन्होंने थाने पर तहरीर दी थी जिस पर पहले ही 295, 323, 504, 506 यानी कि सिंपल हर्ट और धमकी इत्यादि का जो भी इन्होंने तहरीर दी थी उस पर संगत धारा में मुकदमा लिख दिया गया था। इनका मेडिकल भी कराया गया था, मेडिकल के बाद इन्हें पीएल शर्मा रेफर किया गया था, वहाँ पर एक अजीब सी सूचना आई कि इनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग भी शॉक्ड रह गए क्योंकि ये स्वयं अपने आप थाने में चलकर आए थे और थाने से चलकर गए थे। तुरंत ही थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए वहीं पर और अपने सामने ही पीएम इनका जल्दी से करवा गए एडीएम साहब ने और हमने तुरंत ही इस चीज़ को रिकमेंड किया। और इसके बाद आज ये डिमांड की जा रही थी कि इनकी राहत की डिमांड की जा रही थी कि इन्हें कुछ राहत दी जाए, उसके बारे में जो एडीएम सदर साहब थे और एडीएम साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष से संभव मदद का यहाँ से बनकर जाना है वो बनकर चला जाएगा, अन्य जिस भी योजना में लाभ दिया जाना है वो दिया जाएगा। जो इसमें मुख्य अभियुक्त था जो स्वयं कांति प्रसाद जी की जो स्वर्गीय कांति प्रसाद जी हैं उनकी तहरीर में जिस अभियुक्त के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी उसको गिरफ्तार कर उसमें उसी मुकदमे में 302 की यानी मर्डर की वृद्धि की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। तो आज का जो मुख्य मुद्दा था वो राहत को लेकर था, उसको लेकर जो संगत आश्वासन है वो दे दिया गया है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।